क्योंकि अचानक ही इफ्तार बांटने का प्रोग्राम बन गया है और कोई बस ऐसे ही आउट ऑफ ब्लू नथिंग स्पेशल. सो क्या क्या बनाना है उसके लिए प्रिपरेशन कर रही. पहले मैं अपना मेन्यू आपके साथ शेयर कर देती हूँ. सो फ्रूट चाट है, दही बूंदियाँ हैं, छोले की चाट है और पकौड़े जो हर घर में होते हैं. और सोचा है कचौरियाँ बना लूँ मैं, और कचौरियाँ और आलू की सब्ज़ी जो होती है वो बनावा. ब्रेन मसाला और बिरयानी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बाहर से बनवा लेते हैं. और रोटी जो होती है तो रोटी भी और लस्सी ऑप्शनल है. देखते हैं मैं कहाँ तक पहुँच पाती हूँ इस मेन्यू के साथ. सो फिलहाल जो है वो मैंने फ्रूट चाट के लिए कुछ कटिंग करके रख लिया है. अभी और सामान आना है तो जो इतना भी घर में था वो तो मैंने कटिंग कर लिया है. सो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के पीछे आवाज़ें आ रही होंगी आपको, सो नेवर माइंड दैट, क्योंकि उनको खेलना है. इज़मा जो है वो दोपहर की नींद ले रही है अपनी. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. अरे चाट जो है वो छोले की मैंने सोचा है डिफरेंट तरीके से आज बनाऊंगी, ट्राई करूंगी डिफरेंट तरीके से. मैंने दो तीन डिफरेंट स्टाइल देखे हैं. सो दो किस्म की मैं छोले की चाट बनाऊंगी और छोटे छोटे बाउल्स बनाऊंगी, क्योंकि खाना कुछ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. और मेरे हस्बैंड के दोस्त माशाल्लाह से हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो सबको हमने ये भेजनी है. सो इसके हिसाब से मैं बना रही हूँ. आई विश गेट टुगेदर कर सकें हम लोग. एमन तो इसी बिल्डिंग में रहती है तो एमन को तो मैंने बुला लिया है. एमन तो साथ नहीं है तो उसका कोई इतना इशू नहीं है कि वो इस कमरे से उस कमरे में मूव करे. मेरी ही हम दोनों सेम बिल्डिंग में रहते हैं तो इसलिए उसको तो मैंने बुला लिया है. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू पील कर रही हूँ. और वो किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होगा, छोले की चाट में इस्तेमाल होगा, पकौड़ों में इस्तेमाल होगा और इसके अलावा इस्तेमाल होगा कचौरियों की जो भुजिया बनेगी उसके लिए, जो आलू की तरकारी बनती है ना कचौरियों के साथ उसके लिए. यहाँ पे मैं जो स्लाइसर यूज़ कर रही हूँ ये मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी ब्लेंडिंग मशीन का. उसकी वजह यह है क्योंकि अगर मैं दूसरा अपना चॉपर निकालती जो मैंने आपको दावत वाली वीडियो में दिखाया हुआ था तो वो काम बहुत बढ़ जाता है. वो सारी चीज़ें उसके अंदर ना सेपरेट सेपरेट है तो उसमें काम बढ़ने वाली बात है और मैं काम नहीं बढ़ाना चाह रही थी. ये देख लें, इससे इतने बारीक स्लाइस हुए हैं और मुझे बारीक पकौड़े पसंद हैं और मेरे हाथ के पकौड़े सबको बहुत पसंद हैं. जिसने भी मेरे हाथ के पकौड़े खाए हुए हैं वो मतलब दोबारा फरमाइश करता है और तिबारा फरमाइश करता है. तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो थोड़ा बहुत मुझे आता है अच्छा आता है बनाना. तो बहरहाल बैक टू बिजनेस. और सबसे पहले मैं ये कटिंग कर लूँगी पकौड़े. मैंने ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से मैंने ढाई आलू कटिंग किए थे, इस तरह से स्लाइस किए थे पकौड़ों के लिए. और उसके बाद जो डेढ़ आलू था वो मैंने कटिंग किया था, वो जो मिक्स पकोड़े बनते हैं पालक वगैरह वाले उसके लिए कटिंग किया था. और जो रेस्ट ऑफ द आलू थे वो मैंने उनको क्यूब्स में कटिंग करके बॉईल कर लिया था तरकारी में इस्तेमाल करने के लिए. और छोले वाली जो छोले की चाट में डालने के लिए. और मैं भी ये बना रही थी, मुझे एक चीज़ क्लिक हुई जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी कि चने की एक चाट बनती है, चने की दाल की चाट. वो पता नहीं आप लोग में से कितने लोगों को पता हो इस बारे में. चने की दाल को जो है वो रात भर भिगो दिया जाता था और उसके अंदर फिर जब इफ्तार से पहले ना उसके अंदर नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च और हरा धनिया और लेमन और प्याज, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स करके और खाई जाती थी. आई थिंक कच्चे चने की दाल की चाट कहते थे उसको. हमारी यहाँ जो बनती थी, मेरी अम्मी बनाती थी बॉईल करके और फिर उसको भगाड़ देती थी और यही सारी चीज़ें उसमें भी डाली जाती थी. और जो कच्चे चने वाली जो चाट है, कच्चे चने की दाल की जो चाट थी, वो मेरे अम्मू बहुत शौक़ से खाते थे और अभी भी आई थिंक खाते हैं वो. और मैं हमेशा देखती थी उनके दस्तरखान पे वो चीज़ ज़रूर मौजूद होती है. मेरी चाची जो है वो इंडिया से हैं तो आई एम नॉट श्योर कि वो इंडियन ट्रेडिशन है या वो हमारी पाकिस्तान में भी खाई जाती है. खाई तो जाती होगी बहुत सारे घरों में, आई एम नॉट श्योर. मैंने ज़्यादा कॉमन देखी नहीं, मैंने सिर्फ हमारे अम्मू के घर में वो बनती हुई देखी थी. और पर्सनली मुझे उसका टेस्ट इतना ज़्यादा कुछ मज़े का नहीं लगा. मुझे जो मेरी अम्मी बनाती थी वो मुझे चाट अच्छी लगती थी. अम्मियों के हाथ के खाने तो सबको ही पसंद होते हैं लेकिन
वो बचपन की वाइब्स आ गई मुझे अभी अफ्तारी बनाते हुए। अच्छा, अब जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, मुझे अपने बचपन की, कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की काफ़ी बातें याद आ रही हैं, और अच्छा लग रहा है इन चीज़ों को रिवाइज करना, और जो पुराने फ्लैशबैक्स आते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह आते रहेंगे वो, क्यों, जाहिर सी बात है, यादें ऐसी अच्छी हों या बुरी हों, यादें तो यादें होती हैं, और जब इंसान किसी मुकाम पे पहुंचता है तो वो उन्हीं अपने माजी में जो भी उसके तजुर्बात होते हैं, अच्छे या बुरे, तो उसकी ही बुनियाद पे वो आगे पहुंचता है। एनीवेज, पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई अफ्तारी बनाते बनाते, और आप लोग बताएं क्या चल रहा है पाकिस्तान में। मैंने तो सुना है कि माशाल्लाह से अफ्तारियाँ भी हो रही हैं, सब लोग एक दूसरे के घर भी जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अवॉइड कर रहे हैं। मैं भी यही सजेस्ट करूँगी, हम लोग भी पूरी कोशिश करें कि हम बाहर किसी से नहीं मिल रहे, बाहर के लोगों में किसी से भी, हमारी जो इमीडिएट फैमिली है, जैसे मेरी अम्मी पापा हैं, मेरे बड़े भाई हैं और मेरी बहनें हैं, बस हम लोग जो हैं वो कभी मिल लेते हैं वीकेंड के ऊपर, और बाकी अल्लाह का शुक्र है सब लोग जो है बहुत एहतियात कर रहे हैं। गैर ज़रूरी तौर पे तो बाहर बिल्कुल भी निकलना नहीं हो रहा, और इवन मेरी कोशिश ये है कि सब्ज़ी वगैरह लेने भी जाऊँ तो ऐसे दिन लेने के लिए जाऊँ जिस दिन बिल्कुल भी रश नहीं हो। और अभी मुझे पता है मुझे गोश्त वगैरह सब लेने के लिए जाना है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, जब तक मैं चला सकती हूँ चला लूँ, जब तक मेरे हस्बैंड खा सकते खा लें। और बाहर का खाना तो मेरे ख्याल से अब कोई भी नहीं खा रहा होगा, या खा भी रहे तो आई डोंट नो। एनीवेज, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और सब लोग जो है पता नहीं कौन से नॉर्म में हम लोग जी रहे हैं। बहुत टायरिंग है, बहुत ज़्यादा, क्या कहूँ मैं इसको, बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल है, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एनीवेज, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ नीमको, और मीठी नीमको भी बनती है हमारे यहाँ, मुझे मीठी नीमको बहुत पसंद है। डाइट की वजह से ना मेरी सारी अफ्तारी की ऐसी तैसी हुई है, क्योंकि मैं अफ्तारी में मुझे पकोड़े भी चाहिए होते हैं, मुझे समोसे भी चाहिए होते हैं, मुझे चाट भी चाहिए होती है, खाना नहीं चाहिए होता मुझे। लेकिन अभी मेरा सिर्फ़ और सिर्फ फोकस जो है ना वो क्लीन ईटिंग के ऊपर है, तो उसमें ना छोले चल रहे हैं, ना पकोड़े चल रहे हैं, कुछ चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना बिल्कुल भी कुछ इस टाइप की चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और आज वीकेंड पे बन रहा है तो भी मुझे पता है, मैं क्योंकि अब आदत ऐसी हो गई है ना कि मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भी मालूम है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ्रूट चाट रेडी कर ली थी, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि दो चार लोगों को और इसमें शामिल कर लो, तो मुझे इसके अंदर जो है वो मज़ीद कटिंग करके डालना था, केले वगैरह और अंगूर, और क्या क्या डाला था मैंने, केले, अंगूर, सेब और ऑरेंज भी डाले थे मैंने इसमें। तो बहरहाल मैंने इसको फिर चाट को मैं ऐड कर रही थी इसके अंदर, और सारी चीज़ें मसाले में, मतलब मसाले क्या, फ्रूट चाट का जो मसाला होता है वो, और शक्कर मिला के मैंने इसको फिर फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि ये ठंडी ठंडी खाई जाती है और मज़ा आता है ठंडी खाने में। तो बहरहाल ये मैं रेडी कर रही थी। मीठी नीमको के लिए मैंने पिसी हुई जो शक्कर होती है ना वो मिक्स की थी। मेरे, आपको एक मैं बात बताती हूँ, मेरे पास आपको कोई भी चीज़ ना ढंग की अब मिलेगी नहीं, कोई स्पून कोई चीज़ ढंग की नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि मेरी प्यारी सी बेटी इज़्मा फ़ातिमा ने जो है वो मेरे सारे स्पूंस और सारे जितने मेरे स्पैचुलास वगैरह थे, 70% मेरा किचन का सामान जो है वो खिड़की से बाहर उन्होंने फेंक दिया। खिड़की से बाहर ऐसे नहीं कि बालकनी में फेंक दिया है कहीं और, उन्होंने बाहर फेंक दिया, मतलब बाहर की खिड़की से बिल्कुल ही बाहर फेंक दिया। तो अब मेरे पास विस्कर भी नहीं है, मेरे पास छन्नियाँ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जितने बचे कुछ मेरे पास चमचे थे वो मैंने उठा के छुपा के रख दिए, ताकि उसके हाथ में नहीं आए और मैं अपना काम जो है वो सही से कर सकूं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कचौरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए मैंने ऑयल मैंने बहुत कम लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल तो बिल्कुल ना होने के बराबर खाया जा रहा है। और इवन जितने लोग को मैं जानती हूँ ना, वो उनमें से बस दो चार लोग हैं जो तरी वाली चीज़ खाते हैं, बाकी सब जो है वो बग़ैर ऑयल की, मतलब इतना ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करते, इतनी ज़्यादा तरी नहीं पसंद करते।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, सबसे पहले मैंने हमारी जो देगची है छोटी सी, उसके अंदर मैंने ऑयल लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या क्या जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत सारे लोग पकाते हैं, सबको सब कुछ पता होता है, इट्स जस्ट समटाइम्स थोड़ी सी तरकीब डिफरेंट लगती है तो लोग उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको मेजरमेंट्स वगैरह नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको सबको अपनी फैमिली का अंदाज़ा होता है। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मिला लिया, उसके बाद इसके अंदर जब मैंने हल्का सा लहसुन अदरक का पेस्ट भून लिया तो उसके बाद इसमें कुटा हुआ ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, कुटा हुआ धनिया, कलौंजी, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक, मेथी, लाल कुटी हुई मिर्च और लाल पिसी हुई मिर्च, अजीनोमोटो, और ये सारी चीज़ें मैंने डाल के इसको मैंने भून लिया अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से भून गया मसाला और खुशबू आने लगी मसाले की, और बहुत अच्छी खुशबू आती है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, तो जब मसाला मेरा भुन जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर। कुछ लोग टाटरी डालते हैं, लेकिन जो मेन इसका मतलब टाटरी तो एक ऑल्टरनेटिव है ना, तो अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और टमाटर अगर आपके पास नहीं तो टाटरी डालें, लेकिन मैं इसमें डालूँगी टमाटर, उसके छोटे छोटे पीस करके ना, स्क्वायर पीस करके वो डाल लूँगी और उसको गला लेंगी, और थोड़ा सा पानी साथ में डाल दिएगा ताकि मसाले जो है वो आपके जले नहीं। फिर उसके बाद जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तो इसके अंदर हम आलू डाल देंगे और पानी डाल देंगे और आलू को गलने देंगे, और जब आलू गल जाएंगे तो दम पे रखने के लिए इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, ब्राउन किया हुआ प्याज, हरा धनिया और येलो रंग थोड़ा सा कलर इन्हेंस करने के लिए, और आखिर में हम डाल देंगे गरम मसाला, और इन सारी चीज़ों को रख के फिर हम दम देंगे, और ऑयल जब इस पर स्प्रेड हो जाएगा और हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो फिर हम इसको हटा लेंगे चूल्हे पे से। और मेरा गरम मसाला जो था ना वो अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से मेरा सालन थोड़ा सा काला हो गया। इसके बाद जो है वो टाइम मेरा तकरीबन ख़त्म हो गया था, सारा काम समेटते हुए क्लीनिंग भी साथ साथ मैं कर रही थी, तो वो करते करते फिर थोड़ा सा टाइम हो गया और मैं लेट ना जा रही थी आधे घंटे के लिए, लेकिन मैं लेट ही नहीं पाई, और फिर बच्चों को चेंज वगैरह कराना था, ख़ुद भी शावर लेना था, क्योंकि जब इतना सारा आप खाना बना रहे होते हैं ना, इतनी चीज़ें बना रहे होते हैं, तो आपके कपड़ों में मसालों की खुशबू आ जाती है, आपके पास से मसाले की खुशबू आने लगती है, तो मैंने जल्दी से शावर लिया, बच्चों को चेंज कराया, ख़ुद चेंज किया पहली फुर्सत में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले की खुशबू आ रही थी, तो जल्दी जल्दी चीज़ें जो है वो हस्बैंड के दोस्तों के लिए और वो सारे बॉक्सेस में डाल के वो दी, ताकि वो देकर आ जाएं सबको जल्दी जल्दी, सबको ड्राइव, सबके घर थोड़े ड्राइव के ऊपर हैं, मतलब 5 मिनट की ड्राइव, 10 मिनट की ड्राइव इस तरह से हैं, तो घर से यानी अफ्तारी से काफ़ी पहले 1 घंटा पहले ही निकल गए थे वो देने के लिए। और उसके बाद एमन आ गई थी और बस बच्चों ने इंजॉय किया, हम लोगों ने सब ने मिलकर अफ्तार की, शुक्र है खुदा का कि ये मौका मतलब थोड़ा सा ही सही हम साथ बैठ के खा भी तो सकते हैं, और बस जो छोटी मोटी मैं वीडियो बना सकी दस्तरखान की वो मैंने बना ली, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है इफ्तार का टाइम इतना क्लोज़ हो जाता है और सारी चीज़ें और बच्चों के साथ, और तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो आप ये फुटेज वगैरह नहीं ले सकते। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा करूँगी मैं तो फिर उसके लिए मैं प्रॉपर आप उसके लिए मैं प्रॉपर जो है वो फुटेज बना लिया करूँगी। बस आज की वीडियो यहीं तक थी, अल्लाह करे आप सब का भी दस्तरखान पर रौनक हो और आप सब की तौफीकात में भी इजाफा हो और आप सब के रिस्क में भी बरकत हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं आप सब से जल्द मुलाकात करूँगी, जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।